आज मैं फिल्म फेयर की रिहर्सल कर रहा था तो वहाँ संजय बंसाली साहब आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे कहा कि मैं उनके साथ बहुत सारी फिल्में कर चुका हूँ और उन्होंने कहा कि अगर मैं आगे मूव कर सकता हूँ. मैं पर्सनली चाहूँगा कि इनकी फिल्म सोलो आ जाए क्योंकि देयर इज़ अ बिग थिंग ऑन स्टेक एंड दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट. सो आई विश हिम अ लक एंड गुड लक. अक्षय कुमार ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी फिल्म पैडमैन की रिलीज डेट को कर दिया पोस्टपोन. आज मैं फिल्म फेयर की रिहर्सल कर रहा था तो वहाँ संजय बंसाली साहब आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे कहा कि मैं उनके साथ बहुत सारी फिल्में कर चुका हूँ और उन्होंने कहा कि अगर मैं आगे मूव कर सकता हूँ. मैं पर्सनली चाहूँगा कि इनकी फिल्म सोलो आ जाए क्योंकि देयर इज़ अ बिग थिंग ऑन स्टेक एंड दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट. सो आई विश हिम अ लक एंड गुड लक. संजय लीला भंसाली की एक रिक्वेस्ट पर अक्षय ने अपनी इस रिलीज डेट को छोड़ने का कर दिया फैसला. बॉलीवुड में आजकल फिल्म्स क्लैश काफी आम हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि रिलीज से ठीक कुछ दिन पहले कोई एक्टर दोस्ती के खातिर अपनी रिलीज डेट को छोड़ दे, लेकिन अक्षय कुमार ने बड़ा दिल दिखाते हुए ऐसा कर दिया है और अब संजय लीला भंसाली अक्षय कुमार को थैंक यू कहते नहीं थक रहे. आप लोग सब जानते हैं कि रिलीज डेट हमने 25 जनवरी का डिसाइड किया, लेकिन वो डेट अक्षय सर की थी तो आज हमने उनको मिलके उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर वो शिफ्ट हो सके, क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं उनके सामने शायद हमारे लिए एक और बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर ये फिल्म साथ में आती तो. और उनको सब हमारी जो मुश्किल है उनका मालूम है, उनको पता है, तो दो मिनट भी नहीं लगे उन्होंने इमीडिएटली कहा कि जो तू चाहे जैसे चाहे मैं तेरे साथ हूँ. एंड आई थिंक इट नीड्स अ वेरी लार्ज हार्ट, यू हैव टू बी एबल टू to exude so much goodness. I couldn't believe what I was hearing, and I think I will be grateful to him for a lifetime for what he has done. दरअसल संजय लीला भंसाली की फिल्म पहले ही कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से काफी डिले हो चुकी है और फिल्म के मेकर्स को अब फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में संजय लीला भंसाली ने अक्षय से पर्सनली रिक्वेस्ट की कि वो अपनी फिल्म की रिलीज डेट पुश कर दें और अक्षय ने तुरंत उनकी बात मान ली. आज मैं फिल्म फेयर की रिहर्सल कर रहा था तो वहाँ संजय बंसाली साहब आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे कहा कि मैं उनके साथ बहुत सारी फिल्में कर चुका हूँ और उन्होंने कहा कि अगर मैं आगे मूव कर सकता हूँ. मैं पर्सनली चाहूँगा कि इनकी फिल्म सोलो आ जाए क्योंकि देयर इज़ अ बिग थिंग ऑन स्टेक एंड दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट. सो आई विश हिम अ लक एंड गुड लक. वैसे प्लैनेट बॉलीवुड को सोर्सेज से एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है कि भंसाली ने अक्षय कुमार से पर्सनली बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला लिया, लेकिन अपनी फिल्म को प्रोड्यूस कर रही कंपनी को वो बताना भूल गए और इस स्टूडियो के ऑफिशियल्स मीडिया को फोन करके इस बात की जानकारी ले रहे थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ रखा गया है. वैसे संजय लीला भंसाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पद्मावत से जुड़ी किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी पर बात नहीं करना चाहते थे, तभी तो उन्होंने जितने भी वर्ड्स यहाँ बोले वो सोच समझ कर ही बोले और फिर तुरंत यहाँ से चले गए. Well, अक्षय ने भले ही अपनी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन जिस तरह से अभी भी पद्मावत को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, इस फिल्म को स्मूथ रिलीज मिलना है काफी मुश्किल. संदेश अगाते, जूम मुंबई. फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द जूम ऐप नाउ.